थम रहा है शहडोल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी चयन का मामला। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी हिमांत्री सिंह को टिकट दिए जाने से वर्तमान सांसद ज्ञान सिंह के समर्थकों में भारी रोष व्याप्त है। जैसे जैसे नामांकन का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। नौरोजाबाद के घुलघुली के बाजार में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए, जहां पर हिमांद्री नहीं ज्ञान चाहिए के नारों से गूंजा। अभी यह विरोध प्रदर्शन शांत न होने का नाम ले रहा है। इस विरोध प्रदर्शन से शहडोल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर हैं। जब जब पार्टी का समय आया तो उन्होंने पार्टी के कंधे में हाथ मिलाकर किया है, पार्टी का सहयोग किया है। आज भारतीय जनता पार्टी को उनसे विचार कर और पुनर्विचार कर प्रत्याशी चयन में करें। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग की क्या स्थिति रहेगी? अब स्थिति क्या होगी? संगठन बगावत नहीं करेंगे हम, लेकिन पार्टी के साथ में है। अरे भैया बगावत करेंगे तो संभावना की पैसे में टिकट दी गई है, 3 दिन में कभी ऐसा नहीं होता। ठीक, धन्यवाद। धीरेन्द्र सिंह, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आप लोग यहाँ पे ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं? लोग भारतीय जनता पार्टी जो है हिमांद्री सिंह को टिकट दी है, जो कि अभी एक दिन ज्वाइन कराए, दूसरे दिन उनकी टिकट क्लियर कर दी गई। ज्ञान सिंह जी अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जीवन खपा दिया। जब जब पार्टी को जरूरत पड़ी, उनने बड़े मुसीबत समय में उमरिया से जाकर जब अजय सिंह के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो ज्ञान सिंह जी को उतारा गया, उनको अजय सिंह के विपक्ष में बलि का बकरा बनाया गया और वो जीत कर आए, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में साबित किए कि मैं ज्ञान सिंह जी को हरा कर यहाँ आए। उनके साथ पूरा लोकसभा विधानसभा का कार्यकर्ता उनके साथ है और उनका साथ देगा। नई सरकार पार्टी जो है टिकट परिवर्तित कर और पुनर्विचार कर ज्ञान सिंह जी को टिकट दें। यहाँ बूथ कार्यकर्ता जो है काम करता है, पन्ना प्रभारी काम करता है। अभी हम लोग उमरिया उस दिन बैठक में गए थे, हमारे विधानसभा के प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे। हम लोगों ने वहां उठकर अपनी बात रखी, उनने हमारी बात को नहीं सुनी। जब उनने हमारी बात को नहीं सुनी तो हम भी उनकी बात को नहीं सुनेंगे, उनकी बात को हम नहीं सुनेंगे और वो पुनर्विचार। क्या हैं आप? मैं बरही में बरही का हूँ, अभी सेक्टर प्रभारी के पद पर काम किया हूँ। क्या मांग है आप लोग यहाँ पे, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? नारेबाजी जब जब पार्टी की आपत्ति की घड़ी समझ में आई तब तक ज्ञान सिंह जी को वो बलि का बकरा बनाया गया। यहाँ पार्टी द्वारा जो भी लड़ाया गया, ज्ञान सिंह जी ने संघर्ष किया, हम उनके साथ रहे। अब उनको ऐसा कौन सा कारण निकला कि उनको उनकी पार्टी का टिकट दी गई, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि ज्ञान सिंह जी को टिकट चाहिए, और अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती हिमाद्री को ही देती है तो फिर अब बगावत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उनके साथ हैं। अगर हमारे नेता बगावत पर उतर आएंगे तो हम उनके साथ हैं। बताइए क्या बात है आज? आज इस हम सब पार्टी के कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ में रहकर जो काम करते हैं और जिनको हम हमारे एक संगठन का निर्देश है, पोलिंग बूथ जीतो तो चुनाव जीतो, ऐसे करके एक ये उनका एक निर्देश है, उसी के तहत हम आज एक ऐसे घड़ी में और ऐसे समय पर आप हम सब कार्यकर्ता आज विकट काल में हम खड़े हैं यहाँ। जो सम्माननीय लोकसभा सीट, संसदीय लोकसभा सीट शहडोल से श्रीमान्य हमारे लोकप्रिय नेता और जो लगातार 2003 से शहडोल लोकसभा सीट से लगातार जो भाजपा का गढ़ मानी जाती है, जहाँ से अभी कुछ दिनों पहले, इसके पीछे कुछ दिनों पहले हमारे अलर्ट आए, क्या निर्दलित फार्म भरूंगा अपन ने, अभी थोड़ी और देखना है, विजय सिंह ने परसों जाना है, हमारे सब लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो इस निर्णय से उनके गले में ये बात निर्णय उतर नहीं उतर पा रही है, हम चर्चा कर लड़ू निर्दलीय।